Hello, myself Divya Verma. Today I am going to teach you about goodwill, which is the most important topic of class 12th ISC board. Goodwill. What is goodwill? Meaning dekhte hain goodwill ki. Goodwill means good name, acha naam, or the reputation earned by a firm through the hard work and honesty of its owner. इट मीन्स एक फर्म हो, चाहे कंपनी हो, चाहे एक इंडिविजुअल पर्सन ही हो, अगर वो मेहनत से और ईमानदारी से अच्छा काम करता है तो उसका क्या होता है, एक मार्केट में उसका एक अच्छा नाम बन जाता है। उसी अच्छे नाम को या उसकी प्रसिद्धि को हम लोग किस नाम से जानते हैं, गुडविल के नाम से जानते हैं। इफ अ फर्म प्रोवाइडेड गुड सर्विसेज टू द कस्टमर्स, The customer who feels satisfied will come again and firm will able to earn more profit in future. वही बात हो गई। अगर एक दुकानदार हुआ या कंपनी हो या फर्म हुआ, अगर अपने कस्टमर्स को अच्छी सेवाएं प्रदान करता है तो क्या होगा, कस्टमर उससे बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट होंगे, बहुत ही ज़्यादा उसको पसंद करेंगे, बार बार कोई सामान लेने या सेवा प्राप्त करने उसकी ही दुकान पर या उसके ही कंपनी या फर्म में आने वाले समय में बार बार आएंगे। तो जो कस्टमर उसकी दुकान में बार बार आ रहे हैं, सेटिस्फाइड हैं, मतलब उसका नेम फेम बढ़ रहा है। तो ये नेम और फेम जो बढ़ रहा है, इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, गुडविल के नाम से जानते हैं। चलिए अब आपको एक एग्जांपल देते हैं। अगर हम मिठाई की बात करें तो हम ज़्यादा क्या प्रेफर करते हैं, या तो राधेलाल की मिठाई प्रेफर करेंगे, ठीक है। अगर हम बनारसी साड़ियों की बात करें तो हम कहाँ जाते हैं, बनारस की बनारसी साड़ियाँ बहुत फेमस है, वो लेते हैं। सिल्क की बात करें, भागलपुरी सिल्क, बेंगलोरी सिल्क बहुत फेमस है। तो क्यों हम इन सब जगहों पर ही क्यों जाते हैं, क्योंकि ये अपने कस्टमर्स को अच्छी सेवाएं प्रदान करते हैं और जो भी प्रोडक्ट देते हैं उनकी क्वालिटीज़ बहुत ही अच्छी होती हैं, इसीलिए इनका नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो इनका ये जो नाम फेमस है, ये गुड नेम हुआ इनका, और इस गुड नेम को ही हम गुडविल के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम गुडविल की एक डेफिनेशन देखते हैं। गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिसॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। इसका मतलब फिर से यही कहा गया है कि गुडविल ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये एक प्रोबेबिलिटी है, ये एक आशा की जाती है कि जो ओल्ड आपका कस्टमर है वो बार बार पुरानी जगह पर ही आएगा। कस्टमर आएगा तो क्या होगा, वो आपसे आपके प्रोडक्ट्स को परचेज करेगा। प्रोडक्ट परचेज क्यों करेगा, क्योंकि आपका नाम बहुत ही अच्छा है, आप उसे अच्छी क्वालिटी की चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बारी आती है, हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ गुडविल। गुडविल के क्या फीचर्स होते हैं, तो इसका पहला फीचर है इट इज़ एन इनटैंजिबल असेट। गुडविल क्या है, एक इनटैंजिबल असेट्स है। इनटैंजिबल असेट्स का मतलब क्या होता है, ऐसी असेट जिसको हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, वो हमारी असेट्स क्या होती हैं, इनटैंजिबल असेट्स होती हैं। मतलब गुडविल एक इनटैंजिबल असेट्स है। इट इज अ वैल्यूएबल असेट्स। गुडविल एक ऐसी असेट है जिसका हम वैल्यूएशन कर सकते हैं, अर्थात जिसका हम मूल्यांकन या जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म में, मतलब उसकी एक कोई वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इट्स वैल्यू इज लाइबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशंस। एक बात और ध्यान रखने वाली है, गुडविल की जो वैल्यू होती है वो हमेशा फिक्स नहीं होती है, उसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा प्रसिद्धि होगी आपकी या कंपनी या फर्म की या किसी पर्सन की, उतनी ज़्यादा गुडविल, और जितना ज़्यादा उसे प्रॉफिट होगा उसका गुडविल उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। उसका अगर उसने कुछ ख़राब क्वालिटी की चीज़ें प्रोवाइड की, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो उसका गुडविल क्या होगा, कम हो जाएगा। तो गुडविल हमेशा बढ़ती है घटती रहती है, कॉन्स्टेंट नहीं होती, मतलब वो टाइम टू टाइम फ्लैक्चुएट होती रहती है। इट इज़ अ वैल्यूएबल ओनली वेल एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। गुडविल को हम कब वैल्यूएट करते हैं, मतलब गुडविल का कैलकुलेशन कब होता है, जब पूरा बिजनेस क्या होता है, बिक रहा होता है, तब हम गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। पर इसके दो एक्सेप्शंस भी हैं। अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें, तो जब पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर रिटायर होता है, उस टाइम पर भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, वरना अधिकतर क्या होता है, जब कोई बिजनेस सोल्ड होता है तभी हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट।
गुडविल से क्या होता है, गुडविल के थ्रू हम क्या करते हैं, एक्सेस प्रॉफिट कमाते हैं, अधिकतम लाभ कमा सकते हैं। अगर हमारी गुडविल अच्छी होगी तो नॉर्मली हम जितना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल। वही बात हो गई कि गुडविल की एक एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना या प्लेस करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। क्योंकि क्यों ऐसा है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया है ये कॉन्स्टेंट फ्लैक्चुएशन इसमें होते रहते हैं, इसलिए उसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ गुडविल, कि गुडविल का नेचर कैसा होता है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। गुडविल किस तरह की हमारी असेट है, गुडविल हमारी इंटेंजिबल असेट है जिसको हम ना टच कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। गुडविल इज नॉट अ फिक्सटीशियस असेट, ये बात ध्यान रखिएगा। गुडविल हमारे इंटेंजिबल असेट्स तो है, पर गुडविल हमारे फिक्सटीशियस असेट्स नहीं है। ऐसा क्यों है, इसका रीजन हमने यहाँ पे बता रखा है। तो ये जो मैंने स्टार बना के रखा है इसको ध्यान से आप याद करिएगा या सीखिएगा। फिक्सटीशियस असेट्स और टेंजिबल असेट्स में डिफरेंस क्या होता है, पहले तो हमें ये देखना होगा। जो फिक्सटीशियस असेट होती हैं डू नॉट हैव अ वैल्यू, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। टेंजिबल असेट्स हैव सम वैल्यू, और टेंजिबल असेट्स की कुछ वैल्यू होती हैं। अब जैसा कि हमने आपको बताया था, गुडविल इट इज़ अ वैल्यूएबल असेट, एक वैल्यूएबल असेट है जिसका हम वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो वैल्यूएशन कर सकते हैं इट मीन्स इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तभी तो उसका हम वैल्यूएशन करेंगे। और टेंजिबल असेट्स की वैल्यू होती है, फिक्सटीशियस असेट्स की वैल्यू नहीं होती, इसलिए गुडविल हमारी कैसे असेट्स हुई, इट इज़ अ टेंजिबल असेट। दूसरा एक देखते हैं डिफरेंस, दीज असेट्स आर नॉट सेलेबल, फिक्सटीशियस असेट्स आर नॉट सेलेबल, इनको हम बेच नहीं सकते हैं। टेंजिबल असेट्स आर सेलेबल, बट जो हमारा टेंजिबल असेट्स होता है इनको हम सेल आउट कर सकते हैं। अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि गुडविल भी हमारा बिकता है जब हमारी इंटायर बिजनेस सेल आउट होती है, इसीलिए गुडविल कैसी असेट हुई हमारी, टेंजिबल असेट हुई, ना कि फिक्सटीशियस असेट। चलिए अब इसका हम तीसरा फीचर देखते हैं, गुडविल कैन बी सोल्ड विद द सेल ऑफ इंटायर बिजनेस। जैसा कि यहाँ फिर से बताया गया है कि गुडविल कब बिकती है, जब पूरा बिजनेस सेल आउट होता है तभी हम गुडविल को बेच सकते हैं। पर इसमें कुछ मैंने एक्सेप्शन बताए हैं, गुडविल भी तब भी बेची जा सकती है और या फिर इसका वैल्यूएशन तब भी किया जा सकता है जब एक फर्म में, एक पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या कोई पार्टनर रिटायर होता है, उस टाइम भी हम गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। और जब पूरी बिजनेस बिक रही होती है तब हम गुडविल को सेल आउट भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हमारी गुडविल को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस, अगर आपका बिजनेस या आपकी दुकान या कंपनी एक ऐसी जगह पे है, बहुत ही फेवरेबल पोजीशन पे है, जहाँ पर इजीली कोई कन्वेंस आ सकता है, या इजीली आप जो है सड़कें वहाँ पे बहुत अच्छी हैं, इजीली कस्टमर्स आ सकते हैं, आप अपने स्टॉक को या मटेरियल को इजीली वहाँ ला सकते हो, तो अगर ऐसी जगह पर आपका बिजनेस सेटअप है तो वहाँ पर आपकी गुडविल को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, गुडविल वहाँ पर आपकी बढ़ेगी। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, बहुत बड़ी बात है मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट, अगर आपके यहाँ ऐसे मैनेजर्स हैं जो बहुत ही अपना काम बहुत ही एफिशिएंटली करते हैं, बहुत अच्छे से बिजनेस को टैकल करते हैं, उनका मैनेजमेंट प्रोसीजर बहुत अच्छा है, तो वो क्या करेंगे, आपके यहाँ की जो स्ट्रेटजी कंपनी की बनेगी या फर्म की बनेगी बहुत अच्छी बनेगी, वो ऐसे ऐसे स्ट्रेटजीज बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे जो कस्टमर को इजिली सेटिस्फाई कर सकें। तो इससे क्या होगा, उस फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो गुडविल बढ़ेगा। तीसरा है द लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस, जितना पुराना या जितना लंबा बिजनेस होता है उसकी गुडविल उतनी ही ज़्यादा होती है। आपको पता होगा कुछ जो बिजनेस नए सेटअप होते हैं उनकी गुडविल बहुत ही कम होती है, जो पुराने टाइम से बिजनेस चले आ रहे हैं उनकी गुडविल बहुत ही ज़्यादा होती है। नेचर ऑफ गुड्स, अगर आप ऐसे गुड्स सेल आउट करते हो अपने फर्म में जो जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, जैसे आप डेली प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स हुए हैं या डेली नीड्स की चीज़ें आप मार्केट में बेचते हो, तो उससे आपको स्टडी प्रॉफिट होता है, ज़्यादा प्रॉफिट होता है, और ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो गुडविल बहुत ही ज़्यादा होगी। और ऐसे प्रोडक्ट्स रखते हो या बेचते हो जिनसे जिनकी सेल आउट आप डेली नहीं कर सकते हो, बहुत ही लंबे टाइम बाद होती, तो आपकी गुडविल भी कम होती है। पोजीशन ऑफ लाइसेंस, अगर आपके पास लाइसेंस है कुछ अगर मेडिकल एजेंसीज की बात करें, वो लाइसेंस रख के अपने सामान बेचते हैं, तो लोग कस्टमर्स उनके यहाँ ज़्यादा जाते हैं, ऐसे जगह कम जाते हैं जिनके पास लाइसेंस कम नहीं होता है, इसलिए जो लाइसेंस रखते हैं उनकी गुडविल भी ज़्यादा होती है। मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट, अगर हम बात करें मोनोपोली की, मतलब एकाधिकार, जैसे इंडियन रेलवेज़ की बात करें तो वो बेस्ट एग्जांपल है मोनोपोली का। इंडियन रेलवेज़ को बहुत ही ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, उसका प्रॉफिट भी बहुत ही ज़्यादा होता है, तो क्या होगा,
सारा प्रॉफिट वही अर्न करता है। अब रेल चलाने वाली कोई और संस्था तो है नहीं, तो वो मोनोपोली मार्केट है, उसका गुडविल ज़्यादा होगा। और कुछ ऐसे परफेक्ट कंपटीशन या कंपटीशन वाले मार्केट होते हैं जहाँ पर एक ही चीज़ को बेचने वाले बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो क्या होता है वहाँ उस तरह के मार्केट्स में गुडविल कम होती है। अब बात करते हैं रिस्क इन्वॉल्व। जिस बिजनेस या फर्म में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे गुडविल कम होती है, और जिस बिजनेस में या फर्म या कंपनी का रिस्क बहुत ही कम होता है उनकी गुडविल बहुत ही ज़्यादा होती है। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, ट्रेंड की बात करें, अगर आपकी कंपनी लगातार प्रॉफिट अर्न करती जा रही है, उसका जो ट्रेंड है अगर हम बात करें, उसका प्रॉफिट अर्न करने का ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो उसकी गुडविल भी बहुत ज़्यादा होगी। और कोई एक ऐसी कंपनी है जो कभी प्रॉफिट कमाती है, कभी लॉस में आती है, फिर प्रॉफिट की कमाने के लिए ऊपर बढ़ रही है, फिर लॉस में आ जा रही है, तो उस तरह की कंपनी इसका जो गुडविल होता है वो कम होता है। फ्यूचर कॉम्पिटिशन, अगर फ्यूचर में आप कि जिस फील्ड में आप हैं वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो ऐसे फर्म्स को कंपनीज़ को गुडविल कम होती है, और जिनका फ्यूचर कंपटीशन कम होता है उनकी गुडविल ज़्यादा होती है। कैपिटल रिक्वायर्ड, भाई ये भी बात इंपॉर्टेंट बात है, आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए। अगर आप ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें कम कैपिटल लगे पर आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो तो आपकी गुडविल अच्छी होगी। और मान लीजिए आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें कैपिटल बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है पर आपको प्रॉफिट कम हो रहा है तो उसकी गुडविल कम होती है। कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जो हमारे गुडविल को अफेक्ट करते हैं। पहला है फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशन। कुछ गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन बनाती है, अगर गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल एंड रेगुलेशन आपकी फर्म के लिए सूटेबल हैं तो आपकी गुडविल भी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपकी गुडविल भी ज़्यादा होगी। स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन, कुछ राजनीतिक या फिर हम बोल सकते हैं जो पॉलिटिक्स या फिर चुनाव होते हैं उनसे हमारे बिजनेस को बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। अगर कुछ पॉलिटिकल कंडीशन बहुत ही फेवरेबल हो गई तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, गुडविल बढ़ेगी। कंडीशन ख़राब हो गई तो प्रॉफिट कम होगा और गुडविल भी आपका कम हो जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट, अगर आप अपने बिजनेस या फर्म से रिलेटेड बहुत सारे रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट एफर्ट्स डालते हैं, तो उससे अपने गुड्स की क्वालिटीज़ बढ़ा लेते हैं, तो क्या होगा उनकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा बढ़ेगी, लोग उस पर रिलायबल होंगे, उसको ज़्यादा परचेज करेंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो गुडविल भी बढ़ेगा। इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट, अगर आप अपने प्रोडक्ट का बहुत ही अच्छा एडवर्टीजमेंट करते हैं, लोगों पर उस पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, तो कस्टमर्स ज़्यादा आएंगे, प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज करेंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होगा और गुडविल इंक्रीज होगा। पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ गुड क्वालिटी, अगर आप ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो पॉपुलर हो गए हैं, और पॉपुलर क्यों हुए हैं क्योंकि आप उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके यहाँ आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गुड परचेज करेंगे, प्रॉफिट अच्छा होगा और आपकी गुडविल इंक्रीज होगी। तो आज के वीडियो में मैंने इतना ही पढ़ाया है गुडविल का। मैं जो सेकेंड पार्ट बनाऊंगी वीडियो का उसमें मैं आपको गुडविल को कैलकुलेट करना सिखाऊंगी, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। थैंक यू क्लास।